मैट्रिक के छात्रों के लिए महान खुशखबरी, जो भी मैट्रिक के स्टूडेंट इस बार एग्जाम दिए हैं उनका मार्क वेबसाइट पर अपलोड हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार से वे अपना मार्क देख पाएंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा ही दें और साथ ही इस वीडियो को कम से कम 10 ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दें ताकि अन्य छात्र भी इसकी जानकारी ले सके। तो मैट्रिक के छात्रों के लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। अगर आप लोग बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हो, मैट्रिक के स्टूडेंट हो, तो सब दिन सुबह 6:30 बजे इस चैनल पर आकर के चेक करें, आपको बिहार बोर्ड से संबंधित सभी जानकारी मिलेगी। चलिए हम जानते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि बिहार बोर्ड मैट्रिक जांचे हुए कॉपी का मार्क हुआ अपलोड। संवाददाता पटना, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2020, जांचे हुए कॉपी का मार्क सॉफ्टवेयर में अपलोड कर दिया है। जितने छात्रों की कॉपी जांच की जा चुकी है, यानी आप लोग जानते ही हैं कि अभी जो है कॉपी की जांच पूरी तरह से नहीं हुई है, कुछ छात्रों का कॉपी जांच बाकी है, यानी जितने भी कॉपी की जांच हो चुकी है उनका मार्क सॉफ्टवेयर में अपलोड कर दिया गया है। उतने छात्रों का रिजल्ट तैयार है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने कोरोना महामारी को ले एहतियाती के तौर पर 31 मार्च तक कॉपी जांच पर रोक लगा दी है। सभी लोग जानते हैं, ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हुआ है। 31 मार्च के बाद कोरोना महामारी की स्थिति को देखने के बाद निर्णय लिए जाएंगे अभी कॉपी जांच कराई जाए या नहीं। तो अभी जो है निर्णय नहीं हुआ है, 31 मार्च तक अभी कॉपी जांच स्थगित है। 1 अप्रैल से कॉपी की जांच यदि प्रारंभ होती है तो मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट जो है अप्रैल के प्रथम सप्ताह में जारी हो सकता है। रिजल्ट जारी होने के बाद सभी स्टूडेंट अपना रोल कोड, रोल नंबर डालकर रिजल्ट देख सकते हैं। यानी जितने भी छात्र का कॉपी जांच हो चुका है उनका मार्क अभी अपलोड हुआ है। तो यहाँ पर जो न्यूज़ था, इस न्यूज़ के अनुसार हमने आपको बता दिया है। आपको यह आश्चर्य होगा कि जब लॉकडाउन 14 अप्रैल तक है तो इस बीच में मैट्रिक का रिजल्ट जारी कैसे हो सकता है। तो आप लोग यह भी जानिए कि अभी जो है ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कि 31 मार्च के बाद जो है कॉपी जांच होगा कि नहीं होगा। सभी छात्र को पता है क्या, आप लोगों को जानकारी थी कि आज इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी होगा। तो देखिए, रिजल्ट जब जारी होता है तो उनसे 1 घंटा पहले सभी को पता लगता है, चाहे मीडिया हो या स्टूडेंट हो। तो इसलिए आप लोग जो है कि इस निश्चिंत मत रहिए कि 14 अप्रैल के बाद ही आएगा, 14 अप्रैल से पहले भी रिजल्ट आ सकता है। इसलिए न्यूज़ पर लगातार नज़र बनाए रखिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।